ऐसे बहुत कम परदेशी हैं जिनका जाना खलता है। शिंजो आबे उनमें से एक थे। पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन पर एक भूतपूर्व नौसैनिक ने दो गोलियां दाग दी। इनमें से एक सीने में तो दूसरी गले में लगी। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे जख्मों से पार पाना संभव नहीं। शिंजो आबे के गुजर जाने की घोषणा काफी बाद में की गई। हालांकि जापानी मीडिया में यह खबर पहले ही चलने लगी थी। जब तक वह अस्पताल ले जाए जाएंगे तब तक उनके दिल की धड़कनों का सफर सहम कर थम चुका था। वह चुनाव से दो दिन पहले मारे गए। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इस शहादत का उनका पार्टी को कोई चुनावी लाभ होगा? मारने वाला आखिर उनसे इतना नाराज क्यों था? उसने निजी खुन्नस में ऐसा किया था कि वह किसी का मोहरा बन गया। हर नामी गिरामी शख्स की अकाल मौत अनंत सवालों को जन्म देती है। इन प्रश्नों के उत्तर जांच एजेंसियां भी दे दे तब भी वे उत्तर लंबे समय तक नए सवालों को जन्म देते रहते हैं। आप चाहे तो जॉन एफ कैनेडी या इंदिरा गांधी की हत्याओं को याद कर सकते हैं। साल दर साल बीतने के बावजूद तमाम सवाल अभी तक जवाबों के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ राजनीतिक अथवा इस जघन्य वारदात के तिलस्म पर बात नहीं करना चाहता। आबे की जिस तरह संसार के बड़े राजनेताओं, बुद्धिजीवियों और संवेदनशील लोगों ने इन चंद घंटों में भीगी पलकों से शाब्दिक विदाई दी है, वह मौजूदा वक्त पर उनके प्रभाव का खुलासा करता है। शिंजो आबे थे ही ऐसे। उनकी मुस्कुराहट भी वैसे ही मनमोहिनी थी जैसी राजीव गांधी की हुआ करती थी। वह नफासत से चलते और हर लिहाज से नफीस दिखते। उनके शिष्टाचार में पश्चिम और पूर्व का गजब संगम था। वह जिसको देख लेते उस पर प्रभाव छोड़ जाते। जापान की राजनीति में वह 1990 के दशक में अच्छी खासी ख्याति हासिल कर चुके थे। आबे दूसरे महायुद्ध के बाद सबसे लंबे हुकूमत करने वाली प्रधानमंत्री थे। उनकी अकाल मृत्यु ने जापानी सियासत और राजनय के एक नए समूचे युग पर पूर्ण विराम लगा दिया है। वह जितने नफीस थे उतने ही अपनी आस्थाओं के प्रति दृढ़ थे। जापानी राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट कर भरा था और वह गाहे बगाहे अभिव्यक्ति करते रहते थे। उन्हें मालूम था कि कब क्या बोलने से कैसी प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया का फायदा कैसा मिलेगा। यही वजह है कि उनके पड़ोसी उनसे रह रह कर सशंकित हो उठते थे, पर उन्हें किसी परवाह नहीं थी। राजनीति उन्हें विरसे में मिली थी। उनके पितामह और नाना महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। पितामह तो मौजूदा चीन में स्थित जापानी उपनिवेश के शासक हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भी उनकी भूमिका थी। अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद वह जेल भी गए थे। शिंजो आबे के पिता शिंतारो आबे समय समय पर जापान के कृषि अंतर्राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार तथा विदेश मंत्री रह चुके थे। आप चाहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करने वाले भारतीय अथवा पाकिस्तानी परिवारों के ननिहालों से शिंजो आबे की तुलना करके देख लें। मुझे लगता है इस उपमहाद्वीप के सियासी चिरागों को उनसे रोशनी को सहेजना, संवारना और सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBTV।